गुलेरिया पुलिस ने पुलिस टीम पर फायरिंग करने वाले एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर करबला बाजार थाना क्षेत्र बड़हरिया जनपद सिवान बिहार से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान मिंटू अली पुत्र नूर मोहम्मद निवासी अहिरौली दुबौली टोला तकिया थाना गोपालपुर जनपद गोपालगंज बिहार के रूप में हुई है। एसपी सिटी ने बताया कि 3 जनवरी को रात 12:30 बजे सब कमांडर महिला कांस्टेबल चंद्रकला कन्नौजिया एवं महिला कांस्टेबल वंदना और चालक राधेश्याम तिवारी के साथ रात्रि ड्यूटी में थे कि एक पिकअप की गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी संदिग्ध होने पर पुलिस वालों द्वारा हूटर सायरन का प्रयोग करते हुए गाड़ी से उतरकर पिकअप के पास जाकर चेक करने का प्रयास किया गया कि अचानक उक्त पिकअप गाड़ी से 3-4 की संख्या में व्यक्ति उतरे और जान माल की धमकी देते हुए जान से मारने की नीयत से पथराव करते हुए अंधाधुंध फायरिंग करने लगे तथा पुलिस वाले अपनी जान माल की सुरक्षा करते हुए गाड़ी से दूर हट गए। अज्ञात बदमाशों द्वारा गाड़ी के अंदर घुसकर गाड़ी में रखा स्मार्टफोन, 600 रुपए नकद, कार के डैशबोर्ड से लूट कर गाली गलौज देते हुए उक्त पिकअप लेकर भाग गए तथा पथराव की वजह से गाड़ी काफी क्षतिग्रस्त हो गई थी। एसपी सिटी ने बताया कि अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि हमारा एक लंबा गिरोह है तथा हम लोग कई टुकड़ों में बैठकर अपने साथियों को बदल बदल कर पिकअप गाड़ी से जाकर छुट्टा जानवर को लाद कर पिकअप से ले जाते हैं तथा अपने जनपद के बाजारों में बेचते हैं तथा कुछ जानवरों को ट्रक में लाद कर पश्चिम बंगाल ले जाते हैं तथा इसमें हम लोगों के रिश्तेदार दोस्त सभी शामिल हैं तथा जानवर को बेचने के बाद जो धन प्राप्त होता है उसको हम लोग आपस में बांट लेते हैं और अपना व अपने परिवार का खर्चा चलाते हैं। उन्होंने बताया कि अभियुक्त के ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत था तथा 25,000 का इनामी था, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में गुलेरिया थाना प्रभारी अमित कुमार दुबे, स्वाट टीम निरीक्षक प्रदीप शर्मा, उप निरीक्षक विजय शंकर यादव, हेड कांस्टेबल अनिल कुमार, कांस्टेबल दयाशंकर पटेल, स्वाट टीम हेड कांस्टेबल अरुण खरवार, कांस्टेबल करुणापति तिवारी, दुर्गेश मिश्रा सहित मुकेश यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, वो तस्कर का एक हमने वो पकड़ा है, गिरोह एक है, मिंटू अली है पुत्र नूर मोहम्मद, ये निवासी है थाना गोपालपुर जनपद गोपालपुर बिहार का, 36 वर्ष इसकी उम्र है। इन लोगों ने 3 तारीख को ये एक घटना कारित की थी, जिसमें एक पीआरवी पे हमला किया था इन्होंने। पीआरवी ने चेतावनी दी थी, ये बहुत तस्करी करने आए थे तो उसमें हमला करके ये लोग वहाँ से मोबाइल फ़ोन और करीब से 500-600 रुपये नकद जो है डैशबोर्ड से लेके ले चले गए थे। इस क्रम में इंस्पेक्टर गुलरिया जो है इन्होंने टीम गठित की थी और ये बिहार से इनको पकड़ के लाए हैं। ये करबला बाजार है थाना क्षेत्र बड़हरिया जनपद सिवान बिहार से 16/1/2022 को समय शाम 5:20 इनको गिरफ्तार किया गया है और इनको गिरफ्तार करके लाया जा रहा है। इनको गिरफ्तार करके आगे की विधि कार्रवाई के लिए भेजा जा रहा है। यही है मिंटू अली है पुत्र नूर मोहम्मद निवासी अहिरौली दुबौली टोला तकिया थाना गोपालपुर। कुछ बरामद भी हुआ है इसके पास से? कुछ नहीं, कुछ वैसे बरामद तो नहीं हुआ है, परंतु टीम गई थी और ये इन्होंने गिरफ्तार करके इसको ले गए। मुकदमा अपराध संख्या था इसका 4/22, धारा 307, 392, 504, 506, 427, 353 और 7CLA एक्ट। सर पुराना आपराधिक इतिहास भी है इसका? कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, उसके खोज में लोग लगे हुए हैं। इन्होंने काफ़ी घटनाएं कारित की हैं, संत कबीर नगर आसपास के जिलों में भी कारित की हैं, उन्होंने महाराजगंज में भी कुछ घटनाएं की हैं, तो अभी इसके आगे की जो है तफ्तीश की जा रही है। इसलिए रिकमेंड किया हमने एसएसपी सर को, बाकी ये जो गिरफ्तार हमने मिंटो लिए किया ये इनामिया भी था 25,000 रुपये का, तो ये काफ़ी अच्छा इन्होंने काम किया है प्रभारी निरीक्षक की टीम ने और इसके लिए हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे एसएसपी सर को।